बाबर आजम को दोबारा से कैप्टन बनाना चाहिए। बाबर, 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 बाबर। बहुत अच्छा है, हम लोगों को लग रहा है कि हमारी टीम ने काफी इम्प्रूव किया है, अच्छा लग रहा है। तो दूसरा ये बताएं कि जो 19वां ओवर किया आरिफ यकूब ने, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हम वो खाने के लिए चले गए थे, उसका नहीं पता, सॉरी। आप किसका स्पोर्ट करने आए थे? मैं बाबर को, जलमी को। जलमी सर, सो किया बाबर ने आप? जबरदस्त, क्या किया? 100 किया। यस, बिल्कुल करना चाहिए, उसको दोबारा से कैप्टन बनाना चाहिए, वो डिजर्व करता है। बाबर आजम को दोबारा से कैप्टन बनाना चाहिए। बाबर आजम डिजर्व करता है, उसको करना चाहिए। और हमारी टीम का बेहतरीन लेके चल रहा था, मुझे नहीं पता कि उसको क्यों हटाया गया है। बाबर आजम पाकिस्तान का ब्रांड है, कह सकते हैं। क्यों कर रहा है वो? बिल्कुल वो मेहनत कर रहा है, टीम को यहाँ तक लेके आया और वही जो है ना टीम को यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा ख्याल हमारी टीम इतनी सुस्त है, ये बाबर की वजह से हमारी टीम जो है ना इतना इम्प्रूव कर रही है। और मुझे नहीं समझ आती कि उसको क्यों मतलब हटाया गया है, कैप्टन बनाना चाहिए उसको दोबारा से। आप बताएं आप किसको सपोर्ट करने आए हैं? बाबर, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। एक ही पैगाम दे दे फिर आप सब। बाबर, 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 बाबर। आजम को दोबारा कैप्टन बनाएं, वो टीम को बेहतर लेके चलो। बाबर ने सारे, बाबर ने सारे एटल्स का मुंह बंद कर दिया, कोई अब उसको जिम्बाबर नहीं कह सकता क्योंकि वो किंग है, रियल किंग ऑफ क्रिकेट बाबर आजम। आज बाबर ने दिखा नहीं दिया कि कैसे खेलते हैं, बड़े बड़े जहाँ फेल हो रहे थे। शहीद ज्यादा अच्छा कैप्टन है या बाबर? बाबर 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 को कैप्टन होना चाहिए, ना बाबर को ना के शाही। गलत समझते हैं हम, गलत समझते हैं। इंशाल्लाह बाबर बनेगा कप्तान ऑफ क्रिकेट। देखिए ये जो आज का फैसला था बाबर को स्पिनर को ओवर कराना, जबकि बहुत ही क्रुशियल वो मनरो और आजम खान जो को स्पिनर को बख्शते ही नहीं है, वहाँ पे उसे ओवर स्पिनर को ओवर करवा के मैच का पसा ही पलट लिया है। इसलिए और जो मैच जो हारा पीछे वो सिकंदर रजा की वजह से हारा शेन, उसे सिकंदर रजा को ओवर देना चाहिए। कैप्टन किसको होना चाहिए? बाबर। अब ये देख सकते हैं जैसे कि बाबर आजम पहले दो मैच हारा है, फिर कम बैक किया, बैक टू बैक 3 मैच जीता है, इससे पता लगता है कि टीम को कैसे बाउंस बैक करना है और कैसे टीम को उठाना और लड़कों को जैर रखना है ग्राउंड में। जैसे कि आप देख रहे थे कि स्टेडियम में मार पड़ रही थी उनके बॉलरों को, आजम खान बहुत ही अच्छी इनिंग खेल रहे थे मनरों के साथ, लेकिन जब मुमिनुल हक ने उसे आउट किया तो एकदम से उन्होंने उस स्पिनर को लाया, जो एक गलत फैसला हो सकता था, लेकिन बाबर आजम ने उसको कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से वो कामयाब हुआ और बाबर आजम यहाँ पर मैच अपने लेवल जो कैच उन्होंने पकड़े हैं ना, विकेट की है लेवल। बाबर को दोबारा कप्तान देखना चाहते हैं पाकिस्तान का, दोबारा कप्तान बना रहे, नाम चाहते हैं दोबारा कप्तान करे, शहीन को खत्म करें, बाबर को दोबारा लाएं, बाबर को कप्तान बनाएं। देखिए क्या कहेंगे जी, जवेद अफरीदी ने बाबर को गाली गिफ्ट की है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। जी जी कैसा लगा आज का मैच? मैच आज का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत एंजॉय किया, इतना मैंने पहली दफा लाइव देखा, इतना मैंने एंजॉय कभी नहीं किया। जो बाबर की सेंचुरी के बारे में बताएं, बाबर की सेंचुरी, बाबर मुझे, मैंने बाबर को प्लेयर कभी नहीं माना था, लेकिन आज मान गए कि बाबर प्लेयर, क्या बात है। बाबर आरिफ यकूब के बारे में बताएं, आज उसने 19वां ओवर किया, 4 विकेट ली है, सिर्फ एक वो ओवर था जो जलमी को जिता गया, नहीं तो इन्होंने कभी भी नहीं जीतना था। सिर्फ एक आजम खान की बैटिंग के बारे में, आजम खान ने अच्छी बैटिंग की, अच्छा ही लगा, बाबर की बैटिंग अच्छी लगी, दैट वाज बड़ा फिट मैच था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या हो रहा है, बट